नमस्कार, मैं काजल निषाद। क्या हाल साथियों, सब ठीक? हाँ, हमको आने में थोड़ा देर हो गया, वो चले गए थे जरा मोर को दाना खिलाने। हाँ, अरे मोर को दाना खिलाते भाई, हम भी बिल्कुल जो है दानवीर है। तो 32 लाख के पार हो गया कोरोना। भक्तो बजाओ ताली थाली और डीजे वाला बाबू। ठीक, देखिए आज का समाचार, मुख्य समाचार इस प्रकार है कि भारत की आर्थिक तौर पर, भारत आर्थिक तौर पर कितना गिर चुका है इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। नरेंद्र मोदी अब तक के सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो बजाओ भक्तों ताली थाली और डीजे वाला बाबू। यह विश्व बैंक की रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आपको अगर भरोसा ना हो तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक, हमारी कई रिपोर्ट नहीं है ये। तो पिछले 4 महीनों से दलाल मीडिया और भाजपाई नेताओं द्वारा खबर फैलाई जा रही है कि मोदी सरकार बिना विश्व बैंक से लोन लिए ही बगैर ही ऐतिहासिक विकास जो कभी कहीं दिखता नहीं है, हाँ तो विकास कर रही है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि देश काफी पिछड़ गया है, देश गर्त में चला गया है, देश बर्बाद हो गया है। भारत में बेरोजगारी और भुखमरी पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा है। और ये आंकड़े 2014 के बाद तेजी से बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि झूठ बोलने वाले का ही बोलबाला है। तो यह भ्रम से बाहर आकर ये जानने का वक्त है कि नरेंद्र मोदी भारत के लिए विध्वंसककारी और पनौती साबित हुए हैं। क्यों भक्तों, बजाओ ताली थाली और डीजे वाला बाबू। ठीक, और आपको एक और खबर सुनानी थी, ये भी बहुत ही जरूरी खबर थी कि भाई भारतीय बैंकों से पैसा लूटने वालों की लिस्ट अगर आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। बिल्कुल सही सुना आपने, एक तो विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय कुमार, रेवा भाई पटेल और पारेख बंधु और कालरा बंधु और ऐसे कितने ही लोग, टोटल 40 लोगों का नाम है लिस्ट में, यानी कि मोदी बाबा और 40 चोर। आपने तो सुना ही होगा, है ना? हाँ, तो बजाओ मामू तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बच्चा वो सारे साले चोर ले गए। ठीक, अरे यूं ही याद आ गया, काहे बिल बिला रहे हो? कविता पढ़ी भाई हमने, पढ़ नहीं सकते क्या? ये बताइए, ये कुशासन बाबू जो है वो कहां घुसासन बाबू हो गए, कहां घुस गए? बड़ी खबर आपने सुनी इन दिनों की? बड़ी खबर ये है कि बिहार के मुजफ्फरपुर में 6 महीने के बच्चे के सिर पर पिस्टल रखकर उसकी माताजी के साथ गैंगरेप होता है, ये हाल हो गया है। अरे और अभी आप तो सुनिए, ये जो रविवार की घटना पहले तो सुनिए कि गोरखपुर में मां बेटी की हत्या, जौनपुर में ट्रिपल मर्डर, प्रयागराज में डबल मर्डर, उन्नाव में महिला का शव मिला, बरेली में 7 साल के मासूम बच्चे की हत्या, कौशाम्बी में व्यापारी पर हमला, चित्रकूट में मजदूर की हत्या, मुजफ्फरनगर में हत्या, वाराणसी में गैंगरेप। ये सिर्फ रविवार की घटना है दोस्तों। ठीक, अब आप सोमवार की घटना सुन लीजिए। ये बलिया सहारा समय के पत्रकार की गोली मारकर हत्या हो गई। गाजियाबाद में बदमाशों ने युवकों को 6 गोलियां मारी है। बागपत 8वीं की दलित छात्र की बच्ची को अगवा कर गैंगरेप कर दिया गया। ठीक है, और बाराबंकी युवक की गला रेत कर हत्या, और बिजनौर में युवक की पीट कर हत्या, मासूम की गला रेत कर हत्या, सिपाही की गोली मारकर हत्या, फतेहपुर में युवक की गला रेत कर हत्या, प्रयागराज में सपा नेता पुनीत पांडे पर जानलेवा हमला, और लखनऊ में अधिकारियों पर गोली मारी, उन्नाव में 2 दिन पहले गायब हुए 9 वर्षीय बच्चे का शव मिला, और लखनऊ कबीरगढ़ में प्रशासनिक अधिकारी को गोली मारी गई। ऐसे तो बहुत सारे केस है, क्या करेंगे आप लोग? अब कहां गए सब भक्तगण? नहीं बजाएंगे क्या ताली थाली? अगरबत्ती दिया अगरबत्ती सब नहीं जलाएंगे क्या? ये हालत हो गई है भारत की, और ट्वीट करने पर सजा मिलती है, सच बोलने पर
जेल जाते हो, बलात्कार करने पर आपको मंत्री पद मिलेगा, और ये क्या है, तड़ी पार होने पर भी मंत्री पद मिलेगा आपको, झूठ और नौटंकी करने पर प्रधानमंत्री बना दिए जाओगे। ये हालत हो गई है भारत की मित्रों। ऐसा चुना था क्या हमने प्रधानमंत्री, ऐसा चुना था हमने प्रधानमंत्री? कितना सारा जंगल राज बना दिया भारत को, और कितने लोगों को अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बनता है तो बने, हमको क्या करना भाई, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता, हमको क्या करना है। अभी भी कुछ लोगों को लग रहा है कि मोदी जी ही सर्वश्रेष्ठ नेता है। सही है, ठीक है। ऐसे कुछ जाहिल लोगों की वजह से ही भारत बर्बाद हो रहा है, तो समझदार लोग सब सुन लीजिए। अरे भाई भक्त समझदार बोला, जब मैं समझदार बोलूं तो तुम क्यों आगे आ जाते हो, तुम थोड़ी समझदार हो, चलो हटो। समझदार लोग सब सुन लीजिए, मैं पहले ही कह रही हूं कि अभी वर्तमान में अगर आपने आवाज नहीं उठाई तो भविष्य बहुत ही दिक्कत वाला होगा, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत वाला होगा। बाकी तो क्या है भाई, बेरोजगारी बढ़ती है तो बढ़े, कोरोना के केस बढ़ते हैं तो बढ़े, लोग मर रहे तो मरे, स्वास्थ्य सेवा ढप हो रही तो हो, शिक्षा का महत्व खत्म हो रहा तो हो, हमें क्या, हमारा तो टाइम हो गया मोर को दाना देने का। ठीक, हम चलते हैं, आप लोग खुश रहिए। और सुनो, ए 6 जोड़ी कपड़ा रेडी रखना भाई, मोर को दाना खिलाने में 6 बार कपड़े हम चेंज करेंगे, ठीक है। अरे प्रधानमंत्री से कम थोड़ी है हम भी, है ना। चलिए चलिए भैया, मोर आ गया होगा, चलिए भैया। आपकी आवाज़।